हरियाणा की खट्टर सरकार के शक्तिमान यानी अनिल विज हरियाणा के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अनिल विज ने माना कि विभाग की रीस्ट्रक्चरिंग और विभाग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बड़े स्तर पर फेरबदल करने की जरूरत है। और क्या कुछ कहा अनिल विज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग तो की जाएगी और बड़े स्तर पर की जाएगी। अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन अधिकारी क्या है और क्या है उसके बारे में, क्या है उसकी रिपोर्ट, उसके बाद ही करेंगे। नहीं, डिपार्टमेंट को चुस्त दुरुस्त करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की ही जाती है। वे चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को इंसाफ मिले, उनकी शिकायतों पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। नहीं, हम चाहते हैं कि जनता को इंसाफ मिले और उनकी कोई भी दरखास्त डस्टबिन में ना डाली जाए। प्रदेश में चिट्टे के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अनिल विज से जब सवाल किया गया तो विज ने सख्त लहजे में कहा कि भले ही चिट्टा हो या काला हो, किसी को भी यह काम नहीं करने दिया जाएगा। विज ने साफ किया कि वह पहले ही मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में मादक पदार्थों की बिक्री के लिए रोक लगाने के आदेश दे चुके हैं। विज की माने तो प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक इस पर काम कर रहे हैं और विज इस पर खुद पैनी नजर रख रहे हैं कि किस जिले का SP नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में कामयाब हो रहा है। चिट्टा हो काला हो, किसी को भी हम ये काम करने नहीं देंगे। मैंने पहली ही मीटिंग में अधिकारियों को कहा है कि इसके ऊपर तुरंत रोक लगाएं और सभी SP इसके ऊपर कार्य करें और हम उसको वाच कर रहे हैं कि कौन कौन SP इस पर काम कर रहा है। हम हरियाणा में किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो हम नहीं चलने देंगे। सब बीजेपी और जेजेपी का अब गठबंधन हो गया है, लेकिन पिछली सरकार में जेजेपी के नेता आरोप लगाते थे कि बीजेपी जो है वो चिट्टा बिकवाती है, बीजेपी के नेता इसमें सम्मिलित है। नहीं, वो सब बेबुनियाद है, उसका कोई आधार नहीं है। परंतु जब हम रोक लगाने की बात कर रहे हैं तो उसके दायरे में कोई भी आएगा उसको बख्शेंगे नहीं। पंजाब से जो नशा है वो सप्लाई किया जा रहा है, तो पंजाब में किस तरह से कंट्रोल करेंगे? नहीं नहीं, हम तो अपनी सीमाओं को सील करेंगे, क्योंकि हरियाणा में कहीं पर भी नशा पैदा नहीं होता है, ये बाहर से ही आता है। तो हम पूरी योजना बना रहे हैं कि हम अपनी सीमाओं को सील करें।